हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बॉक्स को अनबॉक्स पे, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक और नया ट्रू रिव्यू। क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके अंदर नया है, किस मॉडल नंबर से मार्केट के अंदर आपको मिल रहा है, क्या प्राइस पॉइंट पे आपको मिलने वाला है, क्या डिटेल्स है, कैसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, काफ़ी सारी बातें जो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 32 इंचेस के अंदर क्या क्या फीचर्स है जो आज की तारीख के अंदर मार्केट के अंदर आपके लिए अवेलेबल है, और आप क्या क्या और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इन फीचर्स को। सो इन्हीं सारी बातों को लेकर आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2023 का ये जो लेटेस्ट मॉडल है, इसके अंदर आपको जो मॉडल नंबर है इसका है LE3277GA नाम से मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो फीचर्स है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक इसकी जो आप डिज़ाइन देख सकते हैं 32 इंचेस के अंदर बिल्कुल बेजल लेस डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है, फुल HD पैनल आपको देखने को मिलेगा साथ के अंदर, इसके अंदर आप फुल HD यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लुक है आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड लुक डिज़ाइन आपको फ्लेम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या, अगर आप कोई मूवी देखते हो तो आपका जो एनवायरनमेंट है या ऑरा जो बनता है मूवी का, वो काफ़ी अच्छे से आपको फील कराएगा कि आप एक काफ़ी अच्छे पैनल के अंदर एक मूवी देख रहे हैं। साइड की मैं बात करूँ या फिर इसके अंदर जो आपके साथ एसेसरीज मिलती है उसकी मैं बात करूँ, तो इसके अंदर आपको एक रिमोट देखने को मिलेगा, साथ ही ये आपको दो इसके टेबल स्टैंड आपको देखने को मिलते हैं। टेबल स्टैंड के साथ साथ ये वॉल माउंटिंग आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे इंस्टॉलेशन करके देती है, तो अगर आप जब भी इसको परचेस करें तो मेक श्योर आपका जो इसका स्टैंड और आपकी जो वॉल माउंटिंग है कंपनी आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे इंस्टॉलेशन करके देती है इस LED का। सो अगर आप कभी भी इसको परचेस करें तो मेक श्योर फ्री इंस्टॉलेशन करवा लें। साथ ही इसके अलावा इसके अंदर जो आपको फीचर देखने को मिलता है 3-स्टार LED देखने को मिलेगी, ये 3-स्टार LED आपकी ये पावर को भी काफ़ी ज़्यादा सेव करती है आपके साथ। इसके अंदर जो सबसे लेटेस्ट फीचर आपको देखने को मिलता है वो मिलता है इसका एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 11 के ऊपर वर्जन, क्योंकि पहले एंड्रॉयड हायर के अंदर एंड्रॉयड 9 आपको कंपनी मार्केट के अंदर अवेलेबल कराती थी, लेकिन फिलहाल में कंपनी ने डायरेक्ट जंप किया है एंड्रॉयड 11 के ऊपर, जहाँ पर आपको इसके अंदर एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का रिमोट आपको देखने को मिलता है हायर की इस LED के साथ के अंदर, जो कि आपका गूगल असिस्टेंट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, नेटफ्लिक्स वगैरह यूट्यूब के डायरेक्ट सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूट्यूब को प्रेस करके यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, क्या ओपन, कहाँ से ओपन कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं भी आपको इसको स्टार्ट करके बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो में बने रहिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले एंड्रॉइड TV स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपको होम बटन ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पर मल्टी एप्लीकेशन जो आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसके आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है, उसके सारे सजेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके जो फीचर्स है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर क्लिक टू स्पीक का ऑप्शन मिलता है, अगर आप कुछ बोल के सर्च करना चाहते हैं तो क्लिक टू स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कीबोर्ड का, अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर होम, मेन जो होम है उसका पूरा यहाँ पर होम सीरीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अलावा आपके जो भी डिवाइसेस है उसके अगर आप कुछ यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं अलग से एप्लीकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे अगर हमारा जो एंड्रॉइड फोन होता है उसके अंदर प्ले स्टोर होता है, वैसे का वैसा प्ले स्टोर इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको 8 GB का स्टोरेज मिलता है और साथ ही 4 GB का जो स्पेस है वो इसके अंदर एक्वायर रहता है। उसके अलावा 4 GB का स्पेस आपको मिलता है, जो कि आप एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कुछ आप वीडियोस फोटो सेव करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है। गूगल प्ले स्टोर में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपको सबसे पहले इसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा अपनी Gmail ID के थ्रू। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे इंस्टॉल होती है, यूट्यूब, गूगल, नेटफ्लिक्स, प्राइम, जैसे आप जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे प्री इंस्टॉल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी प्री इंस्टॉल आती है। इसके अलावा भी अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा इन एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट एक्सेस रिमोट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे मेन जो एप्लीकेशन है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जो पब्लिक कंटेंट देखती है या फिर जो भी पब्लिक वीडियो सर्च करती है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस या मूवीज सर्च देखी जाती है, सर्च की जाती है। सो आप डायरेक्टली रिमोट के थ्रू भी यहाँ पर क्लिक करके वीडियो सर्च कर सकते हैं या फिर अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये था कुछ एप्लीकेशंस का एक्सेस कैसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप इसके अंदर गूगल असिस्टेंट का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट 2.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप कुछ भी इसको वॉइस कमांड देके अगर आप सर्च करना चाहते हैं या फिर कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं या XYZ जो भी कंट्रोल आप इसको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर आपको गूगल एक्सेस के लिए आपका जो भी कमांड है वो यहाँ पे आपके लिए सुनने के लिए वो रेडी बैठा है। अगर आप जिस तरीके से मैं बोलते जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी सारा कमांड पड़ रहा है, लेकिन मुझे कमांड देना नहीं है, तो मैं फिर से इसको प्रेस कर देता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको कमांड देता हूँ प्रेस करके, जस्ट वन थिंग, ओपन यूट्यूब, ओपनिंग यूट्यूब। सो दोस्तों जैसे मैंने इसको कमांड दिया, इसने यूट्यूब ओपन कर दिया। फिलहाल मैं अभी इसको जस्ट आपको एक्सेस करके दिखा रहा था कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है। सो अभी मैं फिलहाल इसको वापस से होम पे जाता हूँ, इसके बाद मैं इसके दूसरे फीचर्स में आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने मिलते हैं ऐप्स के बाद में। अब अगर आप यहाँ देखते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन का एक्सेस मिलता है, जैसे कि अगर आपके LED के अंदर जो भी नोटिफिकेशन है, जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर अगर अपडेट आया या फिर आपकी कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है या फिर YouTube प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी अपना सब्सक्रिप्शन अगर उसको एडिट कर रखा है या फिर उसका जो बेल आइकन है प्रेस कर रखा है, सो मेक श्योर बेल आइकन हमारा भी प्रेस करिएगा ताकि आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएगी। वही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे YouTube की यहाँ पे देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है अगर आप कुछ भी नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो सेटअप है TV का वो पूरा कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं सेटअप ID के थ्रू। सो अगर मैं बात करूँ इसके इनपुट की, इनपुट के अंदर आपको यहाँ पर एंटीने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही केबल का ऑप्शन मिल जाता है, 8TV का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंपोसाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको 3 HDMI का सपोर्ट मिलता है। 3 HDMI आप इसके अंदर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल टाइम में एक ही HDMI चलेगी, लेकिन आप 3 HDMI को एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं, जिसके अंदर एक HDMI के अंदर आप अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, एक HDMI के अंदर आप अपना VCR कनेक्ट कर सकते हो, एक HDMI के थ्रू आप अपना जो भी आपका गेम वगैरह आप खेलना चाहते हैं या फिर आप अपना लैपटॉप के थ्रू अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 HDMI का आपको कम्प्लीटली ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेटवर्क ऑप्शन की, तो यहाँ पर आप इसको वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू भी पेयर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। यहाँ पर जैसे मैंने वाईफाई के थ्रू अपना बॉक्स को अनबॉक्स ऑन यूट्यूब, जैसा कि मैंने अपना जो वाईफाई है उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर किसी घर के अंदर वाईफाई नहीं है तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको इथरनेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर किसी के घर के अंदर मोडेम है डायरेक्ट, अगर वो मोडेम के जो लैन केबल के थ्रू भी इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो लैन केबल के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकता है। आपकी जो इंटरनेट स्पीड है काफ़ी हद तक फास्ट हो जाती है, वाईफाई से भी ज़्यादा अगर आप इथरनेट का यूज़ करते हैं तो इथरनेट में आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से जो आपकी वीडियोस है बफर होने में कम टाइम लगेगी, आपको देखने के अंदर क्वालिटी में ज़्यादा मजा आएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद में आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन चैनल अकाउंट साइन इन, यहाँ पर अगर आप अपनी जीमेल ID के थ्रू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, यहाँ पे भी आप अपना जीमेल ID डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐप्स आपको देखने को मिल जाती है सारी। डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सबसे मेन चीज़ जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इसका एंड्रॉइड 11 वर्जन। 2023 के अंदर आपको इसके अंदर डायरेक्टली एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, पहले एंड्रॉइड 9 के ऊपर का LEDs आती थी, लेकिन फिलहाल हाई ने 2023 के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 वर्जन दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है, इसका जो ऑपरेशनल स्पीड है वो काफ़ी अच्छे से फास्ट हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस नेम, सिस्टम अपडेट सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा इसकी जो सारी एंड्रॉइड के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स वो सारी आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही टाइमर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आप अपना टाइमर वगैरह सेट करना चाहते हैं, टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है जो कि हर एंड्रॉइड टीवी के अंदर आपको देखने को मिलता है, कॉमन है। कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनपुट्स में आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इनपुट्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फिजिकल पोर्ट भी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा, इसके अंदर फिजिकल पोर्ट इनपुट के जो है कहाँ आपको देखने को मिलते हैं वो सारे फिजिकल पोर्ट में एंड के अंदर जरूर कवर करूंगा, तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही इसके अलावा आपको पावर ऑप्शन मिलता है, पावर के अंदर अगर आप यहाँ पे स्लीपर टाइम सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑटो स्लीप अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर सेटिंग अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं या फिर साउंड की जो सेटिंग अगर आप दोनों अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही स्टोरेज जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपको जो स्टोरेज 8GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, 4GB इसका इंटरनली जो इसका एंड्रॉइड 11 वर्जन है वो इसको एक्वायर करके रखता है, बाकी का लेफ्ट जो बाकी लेफ्ट जो 4GB स्पेस है वो आपको यूजेबल मिलता है, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस या फिर जो भी फोटोज़ वीडियोस सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं इस एंड्रॉइड के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको होम स्क्रीन का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, यहाँ पर आप रिटेल मोड भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही गूगल असिस्टेंट का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको फिलहाल वर्क करके बता चुका हूँ गूगल असिस्टेंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल से अपना एंड्रॉइड टीवी कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन है क्रोमकास्ट बिल्ट इन करके आपको LED के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है, और मोबाइल के अंदर आपको आपका जैसा भी मोबाइल है आपको शेयर डिस्प्ले या फिर स्क्रीनकास्ट का ऑप्शन आपको मोबाइल के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने इसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर स्क्रीनकास्ट का ऑप्शन स्टार्ट किया तो यहाँ पर मुझसे परमिशन मांग रहा है, अब मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ ब्लूटूथ को और इसको पोजिशन अलाउ करता हूँ,
काफ़ी जो भी ये डिटेल्स ब्लूटूथ की लोकेशन वगैरह मांगेगा आपको इसको एग्री करना है। उसके बाद में आपका जो यहाँ पर डिवाइस से सर्च करने लग जाएगा, जैसे अगर आपका डिवाइस सर्च करेगा यहाँ पर आपका एलईडी का नाम आ जाएगा। उससे पहले अब आप दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्रोमकास्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके इसको ऑलवेज करता हूँ। तो ऑलवेज करने से क्या है कि आपका जब भी आप टीवी के पास आएंगे या फिर टीवी ऑन रहेगा तो आपके जो मोबाइल है आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको क्रोमकास्ट करना है या नहीं करना है। जैसे अभी मैंने इसको यहाँ पर सर्च किया, फिर से रीट्राई करता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलवेज नहीं कर रखा था। जैसे रीट्राई करूँगा यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम दिख जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल डिवाइस कास्टिंग के लिए अवेलेबल है। तो मैं फिलहाल हायर का टीवी यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा स्टार्ट नाउ करूँगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं मोबाइल कैसे कास्ट करना है, यहाँ पर कम्प्लीटली कास्टिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस तरीके का आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा एंड्रॉइड में एक्सेस कर सकता हूँ अच्छे से। अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर तो आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस अगर आप प्ले करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो यहाँ पर आप कम्प्लीटली यूट्यूब की वीडियोस पे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी चैनल आपको स्टार्ट करके कोई वीडियो प्ले करके बताता हूँ। तो क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, मोबाइल का जो वॉल्यूम है आपके मोबाइल के अंदर नहीं आएगा, एलईडी के अंदर आपको इसका वॉल्यूम आएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर आपको एलईडी के अंदर सुनने को मिलेगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। सो अभी जैसे वीडियो यहाँ पर चल रही है और आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी कितनी फास्ट और बिल्कुल लेग नहीं आता है इसके अंदर स्टार्टिंग, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। सो कुछ इस तरीके का आप वीडियो देख सकते हैं, कम्प्लीटली स्क्रीन कास्ट हो रहा है यहाँ पे। सो इस तरीके की कनेक्टिविटी आप इसके क्रोमकास्ट के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। सो ये था क्रोमकास्ट बिल्डिंग का ऑप्शन, अगर आप अपने एलईडी के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको जैसे इसको क्रोमकास्ट बंद करना है जस्ट बैक जाना है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्रोमकास्ट हमेशा ऑन नहीं रखना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा नेवर करूँगा, सो ये क्रोमकास्ट बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एनर्जी सेवर का ऑप्शन देखना चाहते हैं तो एनर्जी सेवर का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करके इसको कर सकते हैं, साथ ही लोकेशन आपकी मांगेगा, यूजर्स एंड डायग्नोसिस जिस तरीके से आप इस एंड्रॉइड को यूज़ करते हैं उसके साथ डिटेल ये टीवी डायग्नोसिस करता है, उसके थ्रू यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपको क्या आपके लिए सही है और कैसे करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑडियो टाइप वगैरह सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जस्ट सपोज अगर आपका एक एंड्रॉइड फोन है या फिर आपका कोई भी मोबाइल है वो अगर हैंग करता है तो हम उसको सबसे पहले रिस्टार्ट करते हैं। सो उसी तरीके से अगर आप एलईडी यूज़ करें, एलईडी भी एक एंड्रॉइड मोबाइल के ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी यूट्यूब एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस यूज़ करती है, तो उसकी वजह से क्या कभी कभी आपकी एलईडी हैंग होने लग जाती है या फिर उसका जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत मिलती है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है तो आप जस्ट इस एलईडी को रिस्टार्ट कर दीजिए। तो इस रिस्टार्ट होने से क्या होगा कि आपकी जो कंप्लीट एलईडी है कंप्लीटली रिस्टार्ट हो जाएगी और एंड्रॉइड जो भी बैक फाइल थी वो क्लियर कर देता है और आपकी जो एलईडी अब कम्प्लीटली अगेन स्मूथ चलने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको रिमोट एंड एसेसरीज का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। ये 360 आपका वायरलेस रिमोट कनेक्ट होता है, आप किसी किधर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रिमोट एंड एसेसरीज में क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिमोट है यहाँ पेड है। अब तो मैं इसको किसी भी डायरेक्शन के इसके पीछे से भी अगर मैं इसको ऑपरेशन करता हूँ, इसके सामने नहीं करता तो इसकी वॉल्यूम आप देख सकते हैं कम हो रही है, या फिर किसी भी डायरेक्शन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू या ब्लूटूथ से आपको कनेक्ट होता है और ये आपका किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपका वर्क करेगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको होम थिएटर कनेक्ट करना है या फिर अपना कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस इस एलईडी के साथ पेयर करना है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना ब्लूटूथ हेडफोन स्टार्ट करेगा, अब मैं इसको ऐड पेयर करता हूँ, एड एसेसरीज करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ये सर्च करेगा थोड़ा टाइम लगता है इसको सर्च करने में, डिवाइस कितने सारे हैं। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे रोकर्स 550 आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा आपकी जो एलईडी का ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा ये हेडफोन। जैसे मैं करता हूँ अभी पेयरिंग चल रही है फिलहाल, जैसे पेयरिंग कम्प्लीट होगी ये आपका एलईडी से के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये पेयरिंग रिक्वेस्ट मांग रहा है एलईडी से कनेक्ट होने के लिए, मैं इसको जस्ट पेयर कंप्लीट करता हूँ, क्लिक करूँगा पेयर पे। सो ये फिर से अभी रोकर्स 550 इसका कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है पेड का। इसके अलावा आपकी जितनी भी ब्लूटूथ एसेसरीज इस एलईडी के थ्रू कनेक्ट होगी, आपको इस माउंटेन एसेसरीज के अंदर आपको यहाँ पर पूरी डिटेल लिख जाएगी कि आपकी कितनी ब्लूटूथ एसेसरीज है जो इस एलईडी के थ्रू कनेक्ट है। अगर आप एक टाइम पर मल्टीपल ब्लूटूथ भी कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इस एलईडी के अंदर हो जाएंगे। जैसे कि फिलहाल ये दोनों चीज़ें जो है ब्लूटूथ के थ्रू ही इसमें कनेक्ट है, सो आप ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। रही बात अब इसकी पिक्चर क्वालिटी की और साउंड क्वालिटी की, तो मैं अब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी देखने को। सो पिक्चर क्वालिटी को जिस तरीके की दिखती है आप इसका पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, कम्प्लीटली बेजल लेस फ्रेम आपको देखने को मिलती है हर तरीके से, हर तरफ से आप इसको किसी भी एंगल से, अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ 360 एंगल, किधर से भी आप इसको देखना चाहें। अगर आपकी एलईडी थोड़ी हाइट के ऊपर लगी हुई, अगर आप नीचे जमीन के ऊपर सो रहे हैं या फिर अपने बेड पर सो रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको एंगल इसको दिखेगा। साइड से भी इसको देखते हैं तो व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरी कंप्लीट बेजल लेस आप देख सकते हैं किस तरीके की स्लिम डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है।
फुल एच डी 1080 पिक्सल तक का सपोर्ट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पर जैसे मैं अभी इसकी सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जैसे मैं जाऊँगा क्वालिटी के अंदर आप देख सकते हैं एक फुल एच डी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। इसकी फुल एच डी डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी अच्छी सी क्वालिटी देखने को मिलती है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। पिक्चर क्वालिटी में मल्टीपल पिक्चर्स आपको चला के दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर के रिगार्डिंग क्वालिटी के रिगार्डिंग जो आपका क्वेरीज है सारी क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हर कलर का एक अलग परसेप्शन निकल के आता है, हर कलर मल्टीपल कलर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और क्लियरिटी कलर की आपको बहुत अच्छे से दिखती है, जो कि आपको आंखों को बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल के ऊपर आपको वीडियोस इसके अंदर चलती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें फुल एचडी डिस्प्ले आपको एकदम ब्राइट लुक के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कलर इनहेंस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब मैं आपको दूसरी वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर में डिफरेंट पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, इसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी इस टीवी के अंदर हमको किस लेवल की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, क्या ये हमारे बजट में आता है या नहीं आता है। ये जो पिक्चर क्वालिटी आपको चल रही है दोस्तों, और इस पिक्चर क्वालिटी के अंदर फ्रेमलेस होने की वजह से काफ़ी अच्छा इसको आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसकी जो रेंज है प्राइस पॉइंट में अगर आपकी बात करूँ, प्राइस पॉइंट ये मार्केट के अंदर आपको 13,000 से 14,000 के बीच में मार्केट के अंदर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है LEDs। सो अब बात कर लेते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी के बाद में इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी के अंदर इसके अंदर आपको 10-10 वाट के दो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसका आउटपुट अब आप ये मैं आपको यहाँ पे NCS का म्यूज़िक चला के सुनाता हूँ, आप फील करिएगा। मुझे पता है साउंड इसका 100% मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा, फिर भी जितना मेरी होती कोशिश मैं आपको सुनाऊँगा। सो मेक श्योर अगर आप ये वीडियो साउंड को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो हेडफोन लगा के ज़रूर साउंड टेस्ट करिएगा, जिसका आपको एक हद तक अच्छा इफेक्ट पता चल सके, या फिर जिससे आपको एक हद तक पता चल सके कि इसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअल में कैसी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 32 इंचेस के अलावा हायर के दूसरे प्रोडक्ट की, तो मैंने ऑलरेडी इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी। आप जैसे यहां देख सकते हैं TCL का यहां पे प्रोडक्ट का मैंने 32 इंचेस का वीडियो यहां पे मैंने आपके लिए पूरी डिटेल के साथ रिव्यू किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप यहां से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप लिंक आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हायर का डबल डोर हायर की 4K LED 50 इंचेस 43 इंचेस सारी LEDs की मैं यहां पे रिव्यू कर चुका हूं ऑलरेडी, अगर आपको देखना है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप आई बटन में जाके अभी देख सकते हैं कि 4K की आपको 50 इंचेस की LED की अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू कंप्लीट वहां पे मिल जाएगी, क्या फीचर्स आते हैं उसके अंदर। सो दोस्तों ये था कुछ हायर का कंप्लीट प्रोडक्ट रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर एंड्रॉइड का स्टॉक OS आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर गूगल की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मार्केट के अंदर अवेलेबल दूसरी LEDs के साथ में, तो वहाँ पर आपको स्टॉक OS तो मिलता है, लेकिन जैसे अगर आप दूसरे ब्रांड की बात करते हैं सैमसंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको सैमसंग के अंदर टाइजन करके उनका खुद का OS रहता है जो आपको मिलता है। उसकी वजह से क्या है कि इन दोनों के अंदर ये काफ़ी हद तक एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है स्पीड के अंदर भी, परफॉर्मेंस के अंदर भी। और अगर आपको लगता है कि सैमसंग की आपको LED का रिव्यू देखना है, सो आई बटन पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सैमसंग की 32 इंचेस की डिटेल रिव्यू मैंने कर रखा है। सो दोस्तों ये था इस कंप्लीट डिटेल इस प्रोडक्ट का, जहाँ पर मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करी, इसके डिटेल्स की बात करी, इसके फीचर्स की बात करी है, मैंने इसकी प्राइस पॉइंट भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके अलावा इसके जो भी मोबाइल कैसे कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है, सारे फीचर्स मैं आपको इसके ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस मॉडल के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, या इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, सारी चीज़ें मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों अब इनका मैं आपको बताता हूँ इसके पोर्ट्स कहाँ पे आपको कैसे कैसे पोर्ट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। तो पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको RJ45 पोर्ट मिल जाता है, अगर आप इथरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्टिकल का यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाएगा, साथ ही आप यहाँ पे 3 VGA की केबल कनेक्ट करके अपना जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं VCR DVD या फिर अपना जो भी सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको 2 HDMI यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर आप अपना TV या फिर कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ईयरफोन का 3.5 mm का जैक आपको देखने को मिलता है, साथ ही 2 USB केबल आपको देखने को मिल जाएगी, एंटीना का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको HDMI का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, HDMI अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था इस कंप्लीट प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा इसका फीचर्स, क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बने सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिसकी वजह से नोटिफिकेशन सारी आपको मिल जाए हमारी नई वीडियोज़ की। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Bye-bye.